सीरियल इमली में नशे में अथर्व करेगा इमली से इजहार, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। आम भाई अथर्व इमली को और धैर्य को साथ देकर बहुत बुरी तरह से भड़क जाएगा और धैर्य को यहाँ से घर से बाहर निकालने का फैसला कर लेगा, लेकिन इमली शादी का फैसला सुना देती है जिसके चलते वे अथर्व बुरी तरह से बिखर जाता है और वो पूरी तरह से पहले से भी टूटा हुआ है कि इमली को आखिर फर्क क्यों नहीं पड़ता है कि वो शादी करने जा रहा है, लेकिन अथर्व को तो फर्क पड़ता है धैर्य और इमली साथ होते हैं। तो साथ में ही देखने को मिलता है कि अथर्व शादी का फैसला सुनने के बाद तो पूरी तरह से बिखर जाता है, जिसे जाकर यहाँ पर रुद्र राणा समझाते नजर आता है कि प्यार तो तू आज भी इमली से ही करता है, फिर इतने ये सब नौटंकी क्यों कर रहा है चीनी के साथ, अगर रोकना है तो ये शादी रोक। जिसके बाद देखने को मिलता है कि अथर्व यहाँ पर नशे में नजर आता है और यहाँ पर अथर्व जाकर इमली से गुस्से में उसके कमरे में घुस जाता है और उसे बुरी तरह से आप यहाँ पर सुना देता है लेक्चर और कहता है कि तुम धैर्य से कैसे शादी कर सकती, तुम तो मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, धैर्य तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे ही प्यार करती हो, इसीलिए वो लॉकेट तुमने अब तक अपने साथ रखा था। इमली भी यहाँ पर उसे नशे में बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन अथर्व यहाँ पर ये कह देता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, आज तो उसे सच सुनना ही पड़ेगा। अथर्व उसी से प्यार करता है, वो चीनी से प्यार नहीं करता और वो कैसे किसी और से शादी कर सकती है जबकि वो उसकी बच्ची की माँ है। जी हाँ दोस्तों, गुस्से में यहाँ पर नशे में अथर्व सब कुछ इमली के सामने उगल देता है और उसे होश भी नहीं होता है और यहीं पर इमली को सारी सच्चाई का पता चलेगा कि केरी चीनी की नहीं उसी की बेटी है।